भाग्यश्री जी के हमने वीडियो देखे बड़े सारे सोशल मीडिया पे ना, ये अपने हस्बैंड के लिए, हिमालय जी के लिए अलग अलग डिशेज बनाती रहती हैं। दोस्तों आज हम बनाएंगे भरवा करेला, जो हिमालय को बहुत पसंद है। आज हम बनाएंगे टमाटर की चटनी, जो हिमालय को बहुत पसंद है। कभी नीचे को कमेंट नहीं आया कि सारी चीजें वही बना रही हूँ जो हिमालय को पसंद है, तो ऐसी बनाओ ना। तो नीचे लिखते हैं लोग, मैडम हमारी पसंद का भी कुछ कुछ बना दो। नहीं, वो बोलते हैं हमें इनवाइट कर लेना। अच्छा, वो कभी बनाते हैं आपके लिए? नो। हाँ बनाते हैं ना। क्या? कहानियाँ। हाँ कहानियाँ बनाते हैं। बहाने बहाने बहाने। समीर भाई आप बनाते हो नीलम मैम के लिए कुछ खाना वाना कभी? नीलम के लिए खाना? हाँ मरना मैंने। उनको ट्रेंड शेफ का खाना पसंद नहीं आता, मेरा खाना क्या बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे को। आप हितेन भाई? हाँ मैंने पैंडेमिक में बहुत बनाया, मुझे बनाना पड़ा, क्या करे, ड्यूटी दी जाती थी सबको। हाँ। आप ये बनाओगे आप ये बनाओगे, तो फिर वो वीडियो देख देख के बने रहे, चिकन बना रहे हैं, ओके ये डाला ये डाला, फिर वहां से आवाज आती थी किचन बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए, वो कैसे पॉसिबल। हमारे तो इंडियन इंडियन कुकिंग में तो मतलब किचन खराब होता ही होता है, जो कुकर हाँ। भी छींके मारते ना हाँ। तो पूरी दाल खिचड़ी लगी रहती है उस पे। ये तो हमारा होता ही होता है। रहीमा आप, आपने तो शादी भी नहीं की, ये मुझे आपकी बड़ी बात अच्छी लगती है। मतलब मुझे पता था, इसे पता था ये पूछोगे। मैं बड़ा अच्छा लगता है, मतलब बहुत वेरी नाइस। तो आप लॉकडाउन की बात चली, तो लॉकडाउन में आपने, आप क्या करती थी रहीमा फिर? मैंने ट्राई किया खाना बनाने की। अच्छा जी। पर आई फेल्ड। बस मैं एक्सरसाइज करती थी और क्या करूंगी, मम्मी पापा के साथ मैं रहती हूँ। तो मम्मी पापा को क्यों डिस्टर्ब करती है, अपना अलग से क्यों नहीं रहती है आप? सर आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। देखो अब हमारी शादी हो गई, हम तो बातें करके मजा ले सकते हैं। एक ये है, तो मजे ले ले। एक ये है जो हर एक सेंटेंस में हिमालय जरूर बोलती है। हाँ। एक आप वो लड़की के पीछे लगा रहे हैं, क्या स्माइल है यार, मैं तो खुश हो गया। अभी क्या करे इंसान, नहीं इतनी बड़ी आंखें खूबसूरत, कोई तो इन आंखों में समाया होगा अभी तक। अभी शादी की लाइक नहीं, बट वैसे तो बहुत है। पर बड़ी प्यारी लग रही हैं आप, पता है दिवाली के दिनों में ना ऐसी मिठाइयाँ लगती हैं बाहर ना, चमचम ऐसे, मतलब मैं उठ जाऊंगा, मैं आप बैठ। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे क्यों, वो बोले तो मैं मान भी जाऊं। हाँ नहीं नहीं आइए। नहीं 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 भाई, प्लीज मैं मजाक, अरे मजाक कर रहा हूँ, आ जाओ। याद से करेंगे सबका स्वागत। शर्मा जी हाँ, मिठाई लाए हैं सबके लिए, सबके सब मिठाई खाएंगे। मिठाई किस खुशी में? इस खुशी में कि हमारी ये भैंसिया दिख रही है आपको, फूल जड़िया हाँ, इसने ट्विंस बछड़ों को जन्म दिया है। अब खूबसूरती और क्यूटनेस पे दोनों के दोनों हम पर गए हैं। तुम पे कैसे चले गए? नहीं नहीं, अरे वो कहते हैं ना कि जो प्रेग्नेंट लेडी डिलीवर करने से पहले जिसकी शकल सबसे ज्यादा देखती है उसी पे जाते हैं बच्चे। ओके एनीवेज लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, हम हैं बच्चा द यादव, आई एम प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। प्रोड्यूसर मतलब दूध का प्रोड्यूसर? कैसे, तू खुद देता है दूध? कैसी अजीब बातें कर रहा है? हम ही देते हैं यार, घर घर जाके हम ही तो दूध देते हैं। है कि नहीं? और सच बताएं तो यार कोई भी कंप्लेन भी लेके आता है कि भाई तुम्हारे दूध में मिलावट है, तुम पानी मिलाते हो, हमारे पास आता है, भैंसे के पास थोड़ी ना जाता है। तुम दूध में पानी मिलाते हो? यार शर्मा जी डॉक्टर ने कहा है, यू वुड अग्री, डॉक्टर ने कहा है कि दिन में 4 लीटर पानी पीना है, आप खुद नहीं पियेंगे तो हम तो देंगे भाई। खैर NRI Wives यार क्या बात है, जोरदार तालियां यार, वाह वाह। हम देखे प्रोमो, देखे ट्रेलर, देखे आपके फिल्म का, बहुत कमाल का है, सभी कलाकारों ने बड़ा अच्छा किया है, बट देयर इज वन स्पेसिफिक बॉय। या या या
एक लड़का है, बड़ा ही हैंडसम, डैशिंग, स्मार्ट, गुड लुकिंग, नाम क्या, कीकू शारदा, क्या एक्टर है. तुम जानते हो कीकू शारदा? अरे जानते हैं, जिगरी है अपना. इत्तफाक का बात देखिए, हम दोनों एक ही घर में रहते हैं और हमारे बच्चे उसको पापा पापा कहते हैं. कल एक प्रॉब्लम है, कमाते हम हैं, सारा उड़ाता वो. समीर सोनी जी कैसे हैं आप? बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया. हमने देखा बागबाग में आपको देखे थे, वो हमारे वो चाचा के बेटे का रोल जो आपने किया था, देख के बड़ा मजा आया. तुम्हारे चाचा के बेटे का रोल मतलब? नहीं, हमारे चाचा के बेटे ने भी अपने पापा को घर से निकाल दिया ना. लेकिन उसमें हमारे चाचा का कोई गलती नहीं है. वो तो बेचारे शिद्दत से मेहनत से अपना फिरौती और अपहरण का काम कर रहे थे. अच्छा. बेटे को पता नहीं क्या अच्छा नहीं लगा, गुस्सा आया, पापा को घर से निकाल दिया. अच्छा। चाचा भी तो गलत काम करता था ना फिर? गलत नहीं, देखिए सर, गलत काम तब होता जब वो फिरौती लेते और अपहरण किया हुआ बंदा लौटाते नहीं, तो गलत काम होता. अगर आप पैसा लेके माल दे रहे हो तो इट्स का बिजनेस. एक हाथ ले दूसरे हाथ ले. This is pure business. बच्चा तू ये फालतू बातें करने आया यहाँ पे? देखिए शर्मा जी, कोई भी फालतू बातें अपने माँ के पेट से करता हुआ पैदा नहीं होता. फालतू बातें करवाता है ये चैनल. ये हंसाने का प्रेशर तो फालतू करनी पड़ती है फिर. और चल भी जाती हैं यार, लोग मजा लेते हैं, हमको भी मजा आता है. वैसे अदिति जी, आप डॉक्टर हैं ना? हाँ जी. थोड़ा सा भैंसिया को देखेंगे क्या? क्या है? चेक करूं? नहीं, सच में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है इसको. क्या 2 दिन से चक्कर आ रहा है और चक्कर के चक्कर में ये दूध नहीं दे रही, डायरेक्ट लस्सी दे रही है. बच्चा तुझे शर्म नहीं आती? वो इंसानों की डॉक्टर है. गलत बात है शर्मा जी, ये भेदभाव नहीं. ये भेदभाव अच्छी चीज नहीं है. क्या इंसान क्या जानवर. हम सच बता रहे हैं, हम कभी कभी बीमार होते हैं, हम जानवरों के डॉक्टर के पास जाते हैं. हाँ, क्योंकि उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसके पास कोई इंसान नहीं आता. वैसे हितेन जी, हाँ जी, एक बात बताइए, आपने अपनी शादी में शेरवानी पहनी थी कि वहां पे भी तेजवानी ही पहने? तेजवानी भी पहना था. क्योंकि तेजवानी की शादी थी. अरे ये तो बात सही है. बच्चा हो गया तुम्हारा? नहीं नहीं, कहा अभी शादी नहीं हुआ, बच्चा कहाँ से हो. अरे भाग्यश्री जी, बड़े फैन है आपके यार. आपकी हेयर स्टाइल बहुत पसंद है. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. लेकिन सच बता रहा है, आपको बहुत पसंद करते हैं. हमारा ना एक भतीजा है, वो बहुत आवारा गर्दी करने लगा है आजकल. उसको थोड़ा सा समझाइए ना, सही राह पे लाइए, उसे कुछ काम वाम करवाइए. वो इनकी बात क्यों सुनेगा? शर्मा जी, पहली फिल्म में सलमान खान से मजदूरी करवाई थी इन्होंने. सलमान खान से मजदूरी करा दी, हमारा भतीजा क्या चीज है. बच्चा तू करने क्या है यहाँ पे? अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, मेन बात जो है वो तो हम बताना ही भूल गए. आप लोगों को जान के खुशी होगी कि हमारी जो शादी है ना, पक्की हो गई है. वाह, एनआरआई लड़की है एंजेलिना. एनआरआई लड़की का रिश्ता तुझे? क्यों, हमारा पासपोर्ट क्या फटा हुआ? रिश्ता करवाया किसने तुम्हारा? इलॉन मस्क की चिड़िया ने करवाया. भैया देखिए, आजकल जो है सारा का सारा सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो अपना भी रिश्ता सोशल मीडिया पे ही हो गया. सच बताएं आपको, सोशल मीडिया पे हमने अपना एक स्माइलिंग फोटो डाला था. कैसे? ऐसा वाला देखिए. अब स्माइलिंग फोटो तो हमने डाल दिया, नीचे बड़े प्यार से उसका एक कमेंट आया, व्हाट रबिस इज दिस. हम समझ गए लड़की इंटरेस्टेड है. अरे व्हाट रबिश इज दिस का मतलब ये क्या बकवास है. ए शर्मा जी रहने दो यार, इतना अंग्रेजी हमको भी आता है. आई नो इंग्लिश वेरी वेल हितेन जी. आई नो सो मच इंग्लिश. आप हमको इंग्लिश में कहिए, बच्चा यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, हम आपको अंग्रेजी में जवाब देंगे.
बोलिए बोलिए। बच्चा तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। आई नो। मेरी बात सुन, अगर तुझे बाहर जाना ना तो अपना थोड़ा ना ये अटायर बदल। आपको पता ठंड बड़ी होती, धोती नहीं चलेगी वहां पे। धोती तो यहाँ पे भी नहीं चलती, अपने खुद के पैर डाल के उसे चलाना पड़ता है। और जब खुद ही के पैर डालने हैं तो वहां जाके किसी भी चीज में पैर डाल के चला लेंगे, हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, फोन आ रहा है। अरे बाप रे। ओह, इट्स एंजेलिना, जरा बात कर ले। हेलो या बेबी, आई एम कॉमेडिंग हियर। या हाँ, एक मिनट 4392। ए शर्मा जी, ये क्या हुआ? हमारा जिंदगी भर का कमाई बैंक अकाउंट से निकल गया। मैं तो बोल रहा था ना, फ्रॉड हो रहा है, ओटीपी मत दे। ये कहाँ बोल रहे थे आप? बोल रहे थे बच्चा बच्चा, ये बोलो फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड। अरे यार, पूरा जिंदगी भर का कमाई हमारा बैंक अकाउंट से निकाल लिया इसने। कितना मेहनत से हमने सेविंग किया था, आपको क्या बताया। आपको पता है, हमारे लाइफ में कभी काजू खाने का मन करता था ना, तो हम लसन लेके उस पर लिखते थे काजू। जब लिख के खाना था तो कागज पे लिख के खा लेता ना। कागज पे लिख के? हाँ, आइडिया अच्छा है, लेकिन कागज का है आग पकड़ लेता है। ओह, सुबह प्रॉब्लम होता है ऐसा? नहीं, 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 नहीं। कागज नहीं। खैर, जीवन भर का कमाई तो हमारा चला ही गया है, अब एक ही रास्ता बचा है। कौन सा रास्ता? यहाँ जहाँ से आए हम। और वैसे भी यार, पूरे जिंदगी की कमाई क्या 1200 रुपया तो आए। कमा लेंगे फिर से यार, क्या बड़ी बात है। हम नहीं कमा पाए तो किकू शारदा से ले लेंगे यार। NRI पिक्चर किया है, डॉलर में कमाया होगा उसने। चलिए चलते हैं अभी। ओके, मिलते हैं। ओके ब्रो, ये ब्रो, चलिए। फॉर मोर अपडेट्स subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.